माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं जो अभी हम लोगों का करंट अफेयर चल रहा है। ये करंट अफेयर हम सेलेक्टेड चीजें आपको कराएंगे। करंट अफेयर में कोशिश करेंगे कि जो डेली एक वीडियो आपके लिए अपडेट हो सके। प्रत्येक वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे, मिनिमम 10 रहेंगे, मैक्सिमम 15 रहेंगे। और हमारा प्रत्येक क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग हमारी प्रत्येक वीडियो सीरियल वाइज देखते हुए चलना, जिससे कि जो आपका करंट अफेयर का प्रत्येक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर हो सके और प्रत्येक पॉइंट को आप लोग नोट कर लेना, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, बाद में रिवीजन के तौर पे आपका काम आए। तो हम लोग शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए प्रस्तावित परिसीमन आयोग का प्रमुख किसको बनाया गया? देखिए, परिसीमन आयोग होता है चुनाव आयोग से संबंधित। यह परिसीमन आयोग जो विधानसभा या लोकसभा के लिए सीटें डिसाइड करता है कि जो कहां पर कितनी सीट रहेंगी, तो इसके लिए आयोग बनाया गया है, जिसके प्रमुख सुशील चंद्र को रखा गया है। वर्तमान में सीटें 104 हैं, जो 114 कर दी गई हैं। अभी हम लोगों का जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद 370 हटा दिया गया, जिसके तहत उसकी सीटें कुछ बढ़ाई गई हैं। ठीक है, उसके लिए हमारा परिसीमन आयोग है, उसके अध्यक्ष हैं सुशील चंद्र। अगले पे चलते हैं। भारत सरकार की अटल भूजल योजना के लिए $450 मिलियन का कर्जा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, तो जो कहां से दिया गया है, विश्व बैंक के द्वारा। इसके लिए 17 फरवरी 2020 को समझौता हुआ है, जिसमें कर्जे के लिए प्रावधान रखा गया है। वर्ल्ड पॉपुलेशन व्यू की हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था का 5वां स्थान हो गया है, अभी हाल में 5वां स्थान हो गया है। ठीक है, भारत में योद्धाबू नामक मोबाइल ऐप किस राज्य में लाया गया है? केरल राज्य में। केरल राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे पिनाराई विजयन, इनके द्वारा केरल की पुलिस को, कोची पुलिस को यह ऐप प्रोवाइड किया गया है। यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर पेपर में ऐप से संबंधित जानकारी पूछ लेता है। आगे चलते हैं। भारत बांग्लादेश के बीच जो समझौता हुआ है, ये समझौता नहीं अभ्यास, ये संप्रीति अभ्यास 9 हुआ है, जो हमारे मेघालय में उमरोई नामक जगह पर हुआ है। ये 3 फरवरी से 16 फरवरी तक चला है। ठीक है, तेलंगाना की बायोटेक्नोलॉजी व जीव विज्ञान फोरम के अनुसार बायो एशिया 2020 की थीम क्या डिसाइड की गई है? टुडे फॉर टुमारो। इसके लिए एक थीम बनाई गई है, टुडे फॉर टुमारो। ठीक है, अगला चलते हैं। भारत की तीसरी कॉर्पोरेट यात्री ट्रेन, जो कॉर्पोरेट का मतलब है ये एज ए प्राइवेट ट्रेन के तौर पे चलेगी, ये काशी से महाकाल तक जाएगी। काशी बनारस से इंदौर, इंदौर में महाकाल का मंदिर है, ठीक है, वहां तक। और इससे पहले हमारी लखनऊ से दिल्ली चलाई गई है, जो पहली है आपको याद रखना है। दूसरी है अहमदाबाद से मुंबई, ये हमारी सेकंड, और तीसरे नंबर की ये हमारी चलाई गई है काशी महाकाल एक्सप्रेस। ठीक है, अभी हम लोग और भी क्वेश्चन करते हैं। आप लोग वीडियो को पूरी प्रॉपर तरीके से देखना, जिससे कि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हमारे
ऑप्टिमम सक्सेस एकेडमी नामक चैनल से जुड़ने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी प्रत्येक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स जो कराई जाते हैं उनकी जानकारी आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। अब हम लोग आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। भारतीय नौसेना के मिलन 2020 नामक नौसैनिक अभ्यास अभी कहां पर हुआ है? विशाखापट्टनम में। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है सिनर्जी अक्रॉस द सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है पेपर के लिए। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आप प्रत्येक वीडियो को प्रॉपर देखते हुए चलिए, आपका करंट अफेयर का सारा मटेरियल आपका तैयार हो जाएगा। कॉपी पर नोट करते हुए चलिए, आगे चलते हैं हम लोग। यश भारती अवार्ड, देखिए यश भारती अवार्ड किस राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो हमारे उत्तर प्रदेश का है ये, उत्तर प्रदेश का। इसकी स्थापना कब हुई? 1994 से ये सर्वोच्च पुरस्कार है। यूपी की जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का नया वित्त सचिव, तो नए वित्त सचिव कौन बने हैं? हमारे देवाशीष पांडा, इन्होंने राजीव कुमार का स्थान ग्रहण किया है, ठीक है। भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा कहां पर बनाई गई है? इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा महाराष्ट्र में चलाई गई है, ठीक है। ये 14 फरवरी 2020 को चलाई गई है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक हाल, ठीक है, ऋषि सुनक हाल कहां के वित्त मंत्री बने हैं? वित्त मंत्री बने हैं कहां के? यूनाइटेड किंगडम, यूके के। भारतीय मूल के निवासी हैं ये ऋषि कुमार सुनक हाल, ठीक है। आगे चलते हैं, पुर्तगाल के राष्ट्रपति, देखिए अभी हमारे देश में पुर्तगाल के राष्ट्रपति आए थे, जो 4 दिवसीय यात्रा के लिए आए थे। इसमें ये इनका नाम था मार्सेलो रोबेलो डी सोसा, ठीक है, ये याद रखना है आपको। आखिरी क्वेश्चन करते हैं, नशीली दवाइयों की तस्करी जो भारत में और भारत के पड़ोसी देशों में जो नशीली दवाइयों की तस्करी हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, उसको रोकने के लिए ये बिम्स्टेक नामक एक सम्मेलन हुआ है अभी आयोजित। ये पूछता है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया है। तो ये बिम्स्टेक सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था, जो हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने किया था। इसमें बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका, इंडिया के जितने भी ये राष्ट्र थे पाकिस्तान को छोड़कर, सभी राष्ट्रों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसका सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। इसी तरीके से ये हमारे 14 पॉइंट आज की वीडियो में है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी तैयारी अप टू डेट रखें, ठीक है। जय श्री राम।